बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान की हाल ही में फिल्म बजरंगी भाईजान चाइना में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। आप लोगों को पता ही है, सलमान खान ये पहली फिल्म थी जिसको चाइना में अपार सफलता मिली। हालांकि इससे पहले भी सलमान की फिल्म चाइना में रिलीज हुई लेकिन बुरी तरीके से फ्लॉप रही, लेकिन बजरंगी भाईजान को दर्शकों ने पसंद किया। इसका दूसरा कारण ये भी है क्योंकि सलमान खान की फिल्म दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। फिल्म इमोशनल भरी थी और इस फिल्म की प्रमोशन आमिर खान ने की थी चाइना में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, फिलहाल सुल्तान रिलीज होने जा रही है चाइना में, और हैरानी की बात यह है कि हाल ही में जब बजरंगी भाईजान चाइना में रिलीज हुई तो उस फिल्म में 300 करोड़ की कमाई की। उस फिल्म को 8000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, लेकिन इस बार यशराज चोपड़ा बड़े बजट के साथ चाइना में रिलीज करने जा रहे हैं सुल्तान। आपको बता दें 11000 स्क्रीन पर एक साथ रिलीज होगी फिल्म सुल्तान चाइना में। आपको बता दें एक दिन में इसके 40000 शो दिखाए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ से ऊपर जाएगा। जी हाँ, पहले दिन 100 करोड़ से ऊपर जाएगा सुल्तान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। उसके कुछ पोस्टर भी रिलीज हुए हैं, आप लोग देख सकते हो।